Assalamualaikum everyone, I hope you guys are doing well. Welcome to another video. और आज की जो वीडियो हमारे बन रही है, so it's with a master student in America. ये मेरे साथ है तैमूर. He is from KPA Pakistan. तो पूछते हैं इनसे कुछ सवाल, जो भी आपके questions थे मुझसे regarding masters, के भाई masters का कितना खर्चा आता है, कैसी study होती है, how do students manage studies. तो बहुत से सवाल है और सवालों के जवाब हमें मिलेंगे इस बंदे से. मैं डेटा साइंस कर रहा हूँ IIT से, which is Illinois Institute of Technology. Illinois Institute of Technology. Chicago downtown में है. Chicago downtown. So he is studying from Chicago downtown. और है मेरे सीनियर, क्योंकि he is a master student और मैं अभी bachelor's का हूँ. तो भाई सीनियर है हमारे. तो कैसे रही जर्नी, हाउ डिड यू थिंक के मुझे अमेरिका जाना चाहिए पाकिस्तान से? तो सबसे पहले तो मैं अपना बैकग्राउंड बताऊंगा. मैं था बैचलर्स का स्टूडेंट, AI कर रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फास्ट इस्लामाबाद से. मेरा आखिरी साल चढ़ा था, मैंने कहा फ्यूचर के बारे में क्या किया जाए, अपने मुल्क के हालात देखे, थोड़ी रिसर्च की. मैंने कहा अच्छा मैंने क्या करना है, मैंने पहले तो अपने गोल्स और लेंगे कि मैंने अच्छा ये मैंने अचीव करना है, मैंने बिजनेस करना है, मैंने आगे डाटा साइंस में एक्सेल करना है, विच इज़ द बेस्ट प्लेस टू ग्रो, राइट. तो मैंने देखा अमेरिका इज़ द नंबर वन प्लेस, लाइक इसमें तो किसी को डाउट नहीं है. मैंने अपने आखिरी साल से ही अपना प्रोसेस शुरू कर दिया था अप्लाई करने का. बैचलर्स के आखिरी साल में? बैचलर्स में आखिरी साल में, मतलब okay. मेरी ग्रेजुएशन थी जून में ग्रेजुएशन थी 2023 जून में ग्रेजुएशन थी. मैंने ये प्रोसेस सितंबर 2022 से स्टार्ट कर दिया. यू गेट स्मार्ट थिंग. या दैट्स राइट, क्योंकि यू शुड नो व्हाट योर गोल्स आर एंड यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट. तो आपके बीच में गैप नहीं आया, जो कि मोस्ट स्टूडेंट्स ये करते हैं कि उनकी ग्रेजुएशन होती है और फिर वो अप्लाई करते हैं. सो आपने ग्रेजुएशन से पहले ही अप्लाई कर दी. जिस महीने मैं ग्रेजुएट हुआ उसके एक दो महीने बाद मैं अमेरिका में था. आफ्टर टू मंथ्स ऑफ ग्रेजुएशन यू वर इन अमेरिका. तो भाई ये एक प्रो टिप है फॉर ऑल मास्टर स्टूडेंट कि अगर आप अपने सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में हो या लास्ट सेमेस्टर में, सो यू शुड अप्लाई बिफोर हैंड कि आपकी ग्रेजुएशन से पहले पहले आपके I-20s आपके साथ होनी चाहिए. फर्स्ट मार्च को आपकी इंटरव्यू थी. दैट्स राइट, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अप्रूव हो गया था फर्स्ट मार्च को, पहली ट्राई में. तो देखें, अगर मैंने जुलाई में जाना था तो मुझे मार्च से ही पता था कि मेरे अगले 5 महीने कैसे गुजरने, मैंने पहले से ही प्लान कर लिया था. तो दैट वुड बी अ प्रो टिप फॉर लाइक एनीवन कि आप अपने से पहले से ही प्लान करें. सो जैसा समरी ऑफ व्हाट ही सेड के जो है कि आपको अपनी ग्रेजुएशन से पहले अप्लाई करना है, उसके बाद पूछते हैं इसकी जर्नी आफ्टर द वीजा कि आपको स्कॉलरशिप कितना मिला. तो स्कॉलरशिप मुझे तकरीबन जो मेरी ट्यूशन फीस की कॉस्ट थी उसका 35-40% था, विच वाज अराउंड $10,000 अ ईयर. $10,000 a year. That's right. तो भाई ये काफी अच्छा स्कॉलरशिप है. इसके अलावा हाउ मच फीस आर यू पेइंग टू यूनिवर्सिटी? तो अगर 35-40% आप कर रहे हैं तो तकरीबन 15,000-20,000 में पे कर रहा हूँ बाकी. ठीक है, 10,000 तकरीबन मेरी स्कॉलरशिप. 10,000. तो भाई को $10,000 स्कॉलरशिप मिला एंड ही इज पेइंग अराउंड अबाउट 40-50% ट्यूशन फीस आफ्टर स्कॉलरशिप. तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि मास्टर इज अ डिफिकल्ट फील्ड, तो लेट्स आस्क हिम कि हाउ डज ही मैनेज हिज स्टडीज और कैसे माहौल कैसा हो रहा है अमेरिका में. तो एक तो मास्टर्स में ना बड़ी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि लोग सिर्फ जब रिसर्च का जहन में आता है ना लोगों को तो कहते हैं मास्टर में सिर्फ रिसर्च ही है. तो मैं पहले से क्लियर कर दूं कि मेरा रिसर्च बेस्ड मास्टर्स है ही नहीं, ये प्रोफेशनल मास्टर्स है. ठीक है, इसमें आपकी कोई रिसर्च से इन्वॉल्वमेंट नहीं होती. और ये उन लोगों के लिए जिनने बैचलर में कोई रिसर्च नहीं की या कोई ऐसा पब्लिकेशन नहीं की, उनको ये होता है कि हमने तो कोई पब्लिकेशन की नहीं है, हमें तो एडमिशन मिलेगा ही. तो उनके लिए ये रूट सबसे अच्छा होता है कि वो प्रोफेशनल मास्टर की तरफ जाएँ जिनमें उनको रियल जो है ना वो प्रैक्टिकल उनको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, एक्सपीरियंस होता है हैंड ऑन जिनको, जिससे उनको हेल्प मिलेगी जॉब मार्केट में जाने के लिए. ठीक है, वही रूट ले सकते. दिस इज स्मार्ट वे एक्चुअली. दैट्स राइट, कि आपको डायरेक्ट प्रोफेशनल मास्टर्स में जाना चाहिए ऑल्दो यू डोंट हैव एक्सपीरियंस लेकिन स्टिल यू गेट इनटू द मार्केट. दैट्स राइट. तो आपके अभी हुए हैं 6 महीने ऑलमोस्ट. 7 महीने. सो व्हेन आर यू प्लानिंग टू कंप्लीट योर मास्टर्स? और नॉर्मल स्टूडेंट्स कितना टाइम लेते हैं अपने मास्टर्स को कंप्लीट करने में? तो नॉर्मल स्टूडेंट्स लेते हैं 2 years मास्टर्स कंप्लीट. 2 years. तो मेरा अगर शुरू हुआ अगस्त ऑफ 2023, इट शुड बी फिनिश इन 2025 समर में, राइट. लेकिन आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आप समर लगाएं थोड़े ज्यादा कोर्सेज कर लें तो आप 1.5 साल में कर सकते हैं. 1.5 साल. मैं दिसंबर इस ईयर भी ग्रेजुएशन कर सकता हूँ और अपनी मई में भी ग्रेजुएशन कर सकता हूँ. इट डिपेंड्स ऑन यू. डिपेंड्स ऑन मी. अगर मैं अपना ज्यादा वर्कलोड कर सकता हूँ हैंडल तो आई कैन ग्रेजुएट. मतलब यू हैव टू स्टडी हार्ड.
तो भाई ये बात जो है द मिनिमम टाइम इट शुड टेक यू इज 2 years, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है. ही इज प्लानिंग टू कम्प्लीट हिज मास्टर्स इन 1.5 years और अभी आगे देखते हैं कि इफ ही कैन कम्प्लीट इट और इफ इट गेट्स टफ, क्योंकि आगे यहाँ पे सर्वाइव होना भी होता है. यू हैव टू पे ऑफ योर फीस एवरीथिंग. फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं, सो उनको ये पता होना चाहिए कि मास्टर्स होता है सिर्फ 2 साल के लिए. और आपको वीजा कितना टाइम के लिए मिला है? तो मेरा जो वीजा लगा था वो 5 years का. 5 years का, तो बाकी रिमेनिंग 3 years किस लिए होता है? तो वो भी आप हमारे ऑडियंस को बता दें कि 3 years का वीजा जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है किस लिए होता है. तो बेसिकली मास्टर्स में जब आप करते हैं डिग्री, तो आपने सुना होगा स्टेम का वर्ड, राइट? तो स्टेम होता है साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स का मास्टर. तो अगर आपकी स्टेम डिग्री है, जो डाटा साइंस है स्टेम डिग्री, तो आपको एक तो ओपीटी मिलती है 1 year की आफ्टर यू ग्रेजुएट, विच इज इक्वल फॉर ऑल स्टूडेंट्स. उसके बाद जब आपकी 1 साल की ओपीटी खत्म हो जाती है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 2 years की एक्स्ट्रा ओपीटी अप्लाई कर दें. और ये सिर्फ वो कर सकते हैं जिनका स्टेम का मास्टर होता है. तो बेसिकली आपको 2 साल आपके मास्टर्स के हो गए और 3 साल की आपकी ओपीटी हो जाएगी जिसमें आप काम कर सकते हैं. काम कर सकते हैं 5 years का. टोटल 5 years. तो द थिंग इज कि आपको एक्चुअली इफ यू हैव स्टेम प्रोग्राम जिस तरह डेटा साइंस है, तो आफ्टर ग्रेजुएशन यू गेट एक्स्ट्रा 3 years टू वर्क, जो कि हर स्टूडेंट करता है. उसके बाद सेटल होने का क्या चांसेस है, किस तरह मास्टर स्टूडेंट सेटल होते हैं इन अमेरिका? तो उसमें आपके पास मल्टीपल राउट्स हैं. ऑफ कोर्स सबसे पहला जो राउट है जो मोस्टली लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको ओपीटी मिल गया, यू फाइंड अ जॉब. अगर आप अच्छी फील्ड में डाटा साइंस AI समथिंग लाइक दैट, तो इंशाल्लाह इट विल बी इजी फॉर यू टू फाइंड सम जॉब. आप जॉब हासिल करें और या तो H1 के लिए अप्लाई करते हैं, विच इज़ अ वर्कर वीज़ा, आपको पता ही बिल्कुल होगा, आपको पता होगा. और उसके थ्रू फिर आप उसके बाद आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर करे और यू गेट द ग्रीन कार्ड. ग्रीन कार्ड या फिर आप इफ़ यू आर ब्रेव इनफ तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें. हाँ, बिजनेस इन्वेस्टमेंट पे वीज़ा मिल सकता है. लेकिन मोस्ट स्टूडेंट्स के साथ जो यहाँ पे आते हैं, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, विच इज़ द मेन प्रॉब्लम. तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीज़ा जो है, इसलिए इट्स हार्ड टू गेट. लेकिन द प्रो टिप आई विल एड माई सेल्फ के हर वो स्टूडेंट जो मास्टर्स करता है कंपेयर टू बैचलर स्टूडेंट, उसके सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. अब भाई अगर आप मुझे कंपेयर करें तैमूर से, सो आई एम अ बैचलर स्टूडेंट, तो मुझे पहले बैचलर्स करना होगा, फिर मुझे उसके बाद मास्टर्स करना होगा इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर अ गुड जॉब. ठीक है, क्योंकि मुझे जॉब करना ही करना होगा. इफ़ आई डोंट डू जॉब, तो भाई मुझे कहेंगे कि अपना सब कुछ पैक करो और वापस पाकिस्तान जाओ. सो आई हैव टू गेट अ जॉब. अब जॉब के लिए मुझे 5 साल बैचलर्स करना होगा, फिर उसके बाद 2 साल और मास्टर्स. सो ऑल स्टूडेंट्स who are coming for masters, उनके लिए ये गुड लक है कि they can settle only in 2 years. और दूसरा एक और चीज़ मैं ऐड करूँ, जब आप H1 के लिए अप्लाई करते हैं, तो मास्टर्स के स्टूडेंट्स का अपना एक कोटा होता है. अच्छा. जो कि ज़्यादा होता है बैचलर्स के स्टूडेंट्स से. Exactly. You have a higher probability to get H1 visa approved. हाँ. That's also a good thing. तो हर जगह भाई ये वजह ये है कि मास्टर स्टूडेंट की एजुकेशन एक बैचलर स्टूडेंट से ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली बात है. तो उसकी वजह से उसका रिपोटेशन भी ज़्यादा होता है जॉब मार्केट में. सो कहने का मतलब ये है, इफ़ यू आर अ मास्टर स्टूडेंट, देयर आर 80% मोर हायर चांसेस कि आपको H1B वीज़ा मिले और बैचलर स्टूडेंट को ना मिले. तो ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई. इसके बाद आते हैं कि भाई सर्वाइवल मोड क्या होना चाहिए अगर स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं. टू योर एक्सपीरियंस, अब मैं तो एक एंटरप्रेन्योर हूँ, माई फील्ड इज़ टोटली डिफरेंट, तो आपकी एक्सपीरियंस से स्टूडेंट किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं और जॉब से, या दे हैव टू स्टार्ट बिजनेस इन अ स्मार्ट वे? अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है मुझे, स्पेशली बहुत इंटरेस्ट है सवाल में. और मैंने दोनों काम किए हैं. एक्सपेरिमेंट किया. हाँ जी, ठीक है. तो बात ये है कि इट डिपेंड्स ऑल ऑन यू कि आपका माइंड क्या चीज़ हैंडल कर सकता है. और जॉब मेरा ख्याल है हर बंदा कर भी सकता है, मुश्किल काम है, मुश्किल हर बंदा कर भी सकता है. If you want to be an entrepreneur, you have to be very hardworking and very smart. हर बंदे की बस की बात ही नहीं. तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप अपनी एक तो डिग्री पे फोकस करें, ताकि आप जो आगे लीगल रास्ता इख्तियार करेंगे वो आपके लिए ईजी हो जाए. ईजी हो जाए. अपनी ट्यूशन जो है आपको आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप वो फुल करें और आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो फुलफिल करें. आपके पास टाइम जब बचता है, फिर आप बाकी चीज़ों में हाथ डालें और एक्सप्लोर करें. हाँ. सो From my experience, जो मेरा experience अमेरिका में हुआ है, if a student goes for odd job,
तो उनसे स्टडी रह जाती है बिकॉज ही वर्क्स फिजिकली और आगे उनकी जो GPA रिक्वायरमेंट होती है एंड ही नीड्स टू बी इन आउटस्टैंडिंग एकेडमिक्स इन ऑर्डर टू क्वालिफाई हिज मास्टर्स, तो वो आप क्या इससे एग्री करेंगे या नहीं? बात ये कि जब आप पाकिस्तान में होते हैं आप देखते हैं अच्छा मेरे अम्मी अबू 1 लाख कमा रहे हैं 2 लाख कमा रहे हैं इतना काम करके, आप यहाँ पे आते हो 2 हफ्ते काम किया 3-4 लाख रुपए पाकिस्तानी आपकी जेब में, सही बात है, एंड यू आर लाइक ब्रो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई करके अपनी जिंदगी जाया कर रहा हूँ। हाँ। हर बंदे के जहन में बात आती है क्योंकि आपको रियलिटी हिट होता है, तो आप और जॉब करके अच्छे खासे पैसे इनिशियली कमा लोगे लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं होगी और आप अपनी पढ़ाई पे करना पड़ेगा। हाँ आप और जॉब तो कर लोगे लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज होगा, किसी ना किसी हद तक आएगा कॉम्प्रोमाइज, तो इसमें तो कोई डाउट। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड पॉइंट कि भाई तैमूर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया है कि हर स्टूडेंट जो यहाँ पे आता है और वो जब और जॉब का जो फर्स्ट सैलरी उसकी हाथ आती है जो कि एक अच्छा हैंडसम अमाउंट होता है 4-5 लाख कमा सकता है नॉर्मल स्टूडेंट, तो वो कहते हैं कि भाई जिंदगी तो ये है, जिंदगी तो इसमें है कि भाई मुझे बस पैसे मिल रहे, आगे उसकी डिग्री रह जाती है एंड फॉर दैट रीजन ही स्टेज बिहाइंड देन द स्टूडेंट हु परस्यू हिज डिग्री, तो उसकी वजह से उसके पास आखिर में ना डिग्री होती है ना ग्रोथ होती है और ना क्वालिफिकेशन होता है टू गेट क्वालिफाई फॉर अ बेटर जॉब, ताकि उसको एक बेटर जॉब मिल जाए तो वो पूरी जिंदगी फिर और जॉब करता है, विच आई थिंक इज नॉट अ गुड वे। और मैं हर स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहली प्रायोरिटी डिग्री होनी चाहिए, कंप्लीट योर डिग्री, उसके बाद आपने बिजनेस करना है कम टू द बिजनेस वर्ल्ड, और बिजनेस के लिए ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो डिग्री के बाद इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करें एंड कम टू द बिजनेस, दिस इज हाउ यू शुड परस्यू योर मास्टर्स और बैचलर्स। इसके अलावा माशाल्लाह से यू आर डूइंग अमेज़न, आपने right. कहा कि भाई यहाँ पर अमेज़न करते हैं अमेरिका में, एंड दैट इज व्हाट इज हेल्पिंग यू और इट्स नॉट हेल्पिंग यू? ऑफ कोर्स हुआ ये था कि शुरू में थोड़े बहुत पैसे जमा किए तो मैंने कहा लेट्स स्टार्ट सम बिजनेस, क्योंकि मुझे शुरू से थोड़ा मेरा एंटरप्रेन्योर माइंड था तो मैंने कहा चलो कुछ शुरू करते हैं, एटलीस्ट शुरू करते हैं देखते हैं हाउ इट गोस, तो मैंने अमेज़न स्टार्ट किया कुछ लोगों के साथ मिलकर और कुछ भी नहीं पता था मुझे, ना मैंने कोई कोर्स किया था कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने कहा जब मैं चला मारूंगा तो सब पता कैसे कर राइट, पर वे हुआ पहले शुरू में थोड़ा स्ट्रगल किया लेकिन एवेंचुअली यू लर्न विद द प्रोसेस राइट, लेकिन फिर मैं कहूँ पढ़ाई तो आपकी कॉम्प्रोमाइज आता है लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू बैलेंस बोथ प्रोसेस राइट। तो मैंने अमेज़न स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह वो चल पड़ा, हर महीने हमारा जो है नेट प्रॉफिट ज़्यादा होता रहा और अभी भी मैं कर रहा हूँ साथ साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या कहेंगे खुद, क्योंकि आपने और जॉब भी किया जब पहले आए थे एंड नाउ यू आर अर्निंग ऑनलाइन अमेज़न के थ्रू, तो इन दोनों में आप क्या कहेंगे विच इज द बेटर थिंग, अमेज़न या और जॉब? तो भाई ये आप किससे इंस्पायर हुए, शायद अनवर से इंस्पायर हुए या खुद ही बस आपने चलांग लगा लिया? ऑफ कोर्स शायद अनवर इज वन ऑफ दैट पर्सन। हां भाई, तो यहां जो स्टूडेंट आते हैं मोस्ट ऑफ देम वेरी फ्यू ऑफ पीपल मेक इट बिग एंड वेरी फ्यू पीपल नोस द वेज हाउ टू डू बिजनेस एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि हर किसी के पास ये नॉलेज नहीं होता और हर स्टूडेंट आपको ये बता भी नहीं सकता कि हाउ टू डू दैट, लेकिन ये एक अच्छी बात है इट कम्स फ्रॉम हार्डवर्क, क्योंकि इसने एक हार्डवर्क किया, एक प्रोसेस से गुजरा, फर्स्ट ही डिड हिज ऑड जॉब, इसको पता लगा कि भाई मेरा फ्यूचर इसमें नहीं है, देन ही वेंट टू एन एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस और उस फील्ड में इसको पता चला कि राइट नाउ दिस इज वेयर आई वॉन्ट टू बी, आगे जाके 5-6 साल बाद या जब तक मेरी डिग्री कंप्लीट होगी probably इससे ज्यादा अच्छा होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग, ये बात तो आपको प्रूफ होगी कि भाई आपको ऑनलाइन ही कमाना है, चाहे वो अमेज़न हो, Shopify हो, ऑनलाइन मार्केटिंग हो, एजेंसी हो, जो भी आपने करना है, लेकिन और जॉब में यहाँ पर सर्वाइवल मुश्किल है, यू हैव टू गेट योर डिग्री उसके बाद आप आए अमेज़न की जर्नी में। उसके अलावा हाउ इज योर यूनिवर्सिटी लाइफ गोइंग, लोग कहते हैं कि यहाँ पे मुश्किलात होती है, स्टूडेंट जो है खतरा होता है, इट्स क्वाइट स्केरी प्लेस टू लिव इन शिकागो, तो इस तरह आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ? शिकागो वैसे बड़ा मशहूर है कि क्राइम सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, मुझे तो अभी तक कुछ नहीं है इस तरह, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 7 मंथ्स हो गए हैं, मैं जाता हूँ साउथ शिकागो में, मेरा यूनिवर्सिटी है और साउथ शिकागो में तो दिन में भी नहीं जाते,
अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप अपने काम से काम रखें, अपने सही टाइम पे दें, जब रोशनी है तब जाएँ, रात को 12 बजे ना जाएँ, एक्स्ट्रा ट्रैवल ना करें, आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाएँ। मेरा ख्याल है किस्मत का कुछ नहीं बदला होता। हाँ, किस्मत का भाई, अगर आप खुद अच्छे बंदे हैं तो आपका जो कनेक्शन होगा वो अच्छे बंदों से होगा। बिकॉज साउथ शिकागो एक ऐसी जगह है कि भाई वहाँ दिन में भी लोग नहीं जाते। मैं तो कभी नहीं गया हूँ, और इसकी यूनिवर्सिटी साउथ शिकागो में है, थोड़ी सी साउथ में आती है, विच इज स्टिल अ वेरी बिग थिंग। लेकिन उसमें है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जहाँ जा रहे हो वो जगह खतरनाक है, सो यू कैन बी प्रिपेयर्ड। मतलब आप किसी को भूलें ना, या किसी से इंटरेक्ट एक्स्ट्रा ना करें, अपने काम से काम रखें, और अनवांटेड जगहों पे ना जाएं। तो मेरा ख्याल है यू शुड बी फाइन। बस कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आपको वाकई नहीं जाना चाहिए। अच्छा, उसकी आप जाएँ। सही बात है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट शिकागो का यहाँ पे बड़ा अच्छा सिस्टम है, तो आप यहाँ पे बैठो, ट्रेन लो, ट्रेन हर कुछ अर्से बाद चलती रहती है, यहाँ से आप ट्रेन लो, आराम से सफ़र होता है, अपना काम करो ट्रेन में बैठ के, आप उतरो और यूनिवर्सिटी पहुँचो। और जो सिटी है जहाँ के शिकागो ट्रांजिट अथॉरिटी वाली ट्रेन है, वो तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर उतरती है। अच्छा, हाँ, मतलब इस तरह से बड़ा फीजेबल है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके पास है, गाड़ी ना भी हो तो आपका गुजारा हो जाएगा कि आप यूनिवर्सिटी चले जाओ, आप अच्छी जगह पर रहो, और जितनी दिन आपकी क्लासेज आप ट्रेवल करो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। गाड़ी से मुझे याद आया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू बॉट योर ओन कार। तो भाई ने अपनी गाड़ी ली है 7 महीनों के अंदर अंदर, तो हाउ डिड इट कम टू योर माइंड? आप यहाँ आए, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लिया, सोशल कैसे लिया, कितने टाइम में लिया? क्योंकि मुझे 1 साल लगा था इन ऑर्डर टू क्वालिफाई माय ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि भाई मैंने एक दफा टेस्ट फेल किया, फिर मुझे दोबारा करना पड़ा, और सोशल तो मुझे तकरीबन 9 महीने बाद मिला था। मेनी ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगल टू डू दीज ऑल थिंग्स। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव डिड ऑल स्टेप्स, जो स्टेप्स से आपने गुजरना होता है वो सब आपने कर लिया। बड़े बेसिक लग रहे हैं, लेकिन यू नो हाउ इंपॉर्टेंट आई एम सर्वाइव लीगली। सुनने में ये बहुत आसान स्टेप्स लग रहे हैं कि भाई आया 7 महीनों में, गाड़ी भी ले ली, अमेज़न भी स्टार्ट हो गया, सोशल भी हो गया, लाइसेंस भी हो गया, लेकिन ये 7 महीनों में जो आपका प्रोसेस होता है, जिस स्टेप्स से आपने गुजरना होता है, वो मुझे पता है और वो इसे पता है, वो हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को पता होगा। जब तक आपको ऑन कैंपस जॉब नहीं मिलेगी, जो कि अक्सर फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को नहीं मिलती, तो यू हैव टू वेट 6 months, 12 months। आपको जॉब मिली तब आपने एसएसएन अप्लाई किया, वो 8 weeks उसमें लगे, फिर वो आया, exactly. 1-2 साल तो आपके एक दो साल लग जाते हैं। तो जब तक आप बेसिक में फंसे रहोगे, हाउ विल यू ग्रो, राइट? तो जितना क्योंकि भाई मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ कि जिनको 2-2 साल हुए हैं अमेरिका आए हुए, स्टिल दे डोंट हैव सोशल एंड दे डू नॉट हैव ड्राइविंग लाइसेंस। मैं जानता हूँ उन्हें, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। इफ यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, तभी आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो। यू शुड वर्क हार्ड, नो मैटर अगर आप फेल होते हैं, अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, इट डजंट मैटर, बट यू शुड कीप ग्राइंडिंग और करते रहो। एक दिन आएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, जस्ट लाइक एन अमेज़न अकाउंट, पहले नहीं चलता, जब चलता है तो फिर चल पड़ता है। तो इंशाल्लाह आगे की भी हम व्लॉग्स बनाएंगे। आई होप कि यू गाइस एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन, और तैमूर से मिलकर मुझे अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कमिंग। इंशाल्लाह आगे भी हमारे और वीडियोस आ रहे स्टूडेंट्स के साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चंस और भी है, एंड इफ यू नीड एनी क्वेरीज, तो काइंडली हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वी विल बी एबल टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकअल्लाह।